बच्चे के साथ देख के ही भाई अपना हार्ट बीट काफी ज्यादा हेवी रेट में बढ़ रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है हार्ट बीट। प्लस ये लोग बाइक कैसे चला रहे हैं यार, चलने से अपन लोग को ना पैर में पसीना छूट रहा है भाई इतना ज्यादा। मानो ना तो यहाँ से नीचे ना 150-200 फीट का होगा। अरे भैया ये क्या करते हो, गिर जाऊं भैया बच के? अरे भाई ट्रेन आ रहा है भाई, ये मार्केट इधर का, यहाँ का, यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे घाट है। जय श्री राम। देखो भाई ट्रेन कैसे पार हो रहा है, नीचे के साइड गंगा जी देख रहे हो, ऊपर के साइड ट्रेन, और उसके ऊपर से भी अपन लोग पैदल चल के आए थे। प्लस फोर में कचड़ा वचड़ा की पूछो ही मत यार, गंगा जी में भी इतना सारा कचड़ा फेंकता है यार। और इधर देखो नहाने वाले। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, हाल ही में कल अपने पास अपना गांव में हरे रामा हुआ था कीर्तन, उसका आज गाइस कलश का विसर्जन होने वाला है। तो आज अपन लोग सिमरिया जाने वाले हैं। तो कल से यार हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, गर्मी इतना है ना पूछो ही मत, इसी कारण से अपन लोग स्लीवलेस पहने हुए हैं। सो अभी अपन लोग चारों तरफ कलश को घुमाए हैं गांव में, पूरा गांव में घुमाए कलश, बहुत ज़्यादा धूप था। घुमाने के बाद कलश को भी शिफ्ट किया गया, उसके बाद अपन लोग घर आए, कपड़ा वपड़ा पहनते और फिर अभी 4 बजे ही तुरंत निकलेंगे। अभी 3:30 हो रहा है, 4 बजे तक बस मतलब आ चुकी है बस, सारे लोग फूल होंगे और फिर सिमरिया की तरफ निकलेंगे जो कि बेगूसराय में पड़ती है। और मैं लाइफ में ना फर्स्ट टाइम बेगूसराय जा रहा हूँ और सिमरिया घाट पहली बार जा रहा हूँ। तो जो भी बेगूसराय से होंगे, सिमरिया घाट से होंगे, वो लोग यार समझ रहे होगे यार कैसा घाट होगा, मेरे को पता नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो देखते और आप लोगों को दिखाते। तो चलो गाइस जल्दी से घर से निकलते हैं और फिर आपको बस का टूर दिखाते और फिर सिमरिया घाट दिखाते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग बस पे बैठ गए और फिर बस का माहौल देखो गाइस, मतलब सारे लोग कोई चाय लो और क्या कर रहे, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं भाई। देखो अभी बस खुल चुकी है और फिर बस में मूवी चल रही है, सारे लोग मूवी देख रहे हैं और फिर अपन लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखो सो भाई इधर का नजारा देखो यार भाई, मतलब अपन लोग आ गया है ना सर मेरा वाले रूट में, उसके बाद यहाँ पे ना इतना बंजर जमीन दिखने भाई, इतना भयानक वाला जमीन दिखा ना कि कहीं भी कोई खेती नहीं, कोई पानी नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं, मीलों दूर कोसों दूर तुम देखोगे ना तो पानी का नामो निशान नहीं है। प्लस यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो कि लुक काफी भयानक सा दे रहा, बहुत ही सुंदर सा लुक लग रहा है अपने को। और प्लस इधर ना पानी कहीं मिलती नहीं, कहीं भी नहीं, ये पेट्रोल पंप पे पानी है क्योंकि इधर सिर्फ बारिश का जो पानी आती है ना उसको स्टोर करते हैं लोग। तो अभी सारे लोग अपन लोग पेट्रोल पंप पे पानी पी लिए और फिर बस की तरफ आ चुके हैं। बट कुछ लोग ऐसे प्यासे लोग हैं ना जो कभी इतना भर भर के पानी पी रहे हैं ना कि बता ही नहीं सकते हैं। बट इधर का नज़ारा देखो यार कितना भयानक लग रहा है ना, दूर दूर तक कोई पानी इधर नहीं होता गाइस, क्योंकि ये सब खेती में ना सिर्फ मसूरी मूंग चना ये सब होता है तो उसमें ज़्यादा पानी का जरूरत होती नहीं है, बाकी तो बारिश है ही। सो फाइनली भाई कुछ ही मिनटों में अपन लोग पहुंचने वाले, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो 5.2 किलोमीटर शो कर रहा है जिसका 14 मिनट टोटल टाइम दे रहा है। बट यहाँ पे देखो गंगा जी को। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देखो ये गंगा जी इतना लंबा है भाई, मे भी मेरे से ख्याल से ना 3 किलोमीटर के आसपास क्रॉसिंग है गंगा जी का फ्लाई ओवर। तो अभी यहाँ से क्रॉस करते हैं और फिर नीचे के साइड घाट पर चलते हैं। सो भाई द वेट इज ओवर ब्रो, अपन लोग अभी पहुंच चुके हैं। बट इधर से हेवी व्हीकल्स को परमिशन नहीं है अंदर जाने का। बट इधर का नज़ारा देखो ना तो भाई वो नज़ारा काफ़ी भयानक सा लग रहा है, क्योंकि सारा ट्रैफिक यहाँ पे लग चुका है, फोर व्हीलर सारा यहीं पे रुकेगी, बस यहीं पे रुकेगी। बट इधर का फ्लाईओवर देखो, थोड़ा सा आगे चलेंगे पुल के नीचे जाएंगे, दायां साइड अपना घाट है जहाँ पे अपने लोग को स्नान करनी है, जो विसर्जन है वो विसर्जन करनी है। और इधर देखो न्यू पुल बन रहा है, ये हावड़ा ब्रिज भाई है, हावड़ा ब्रिज के ऐसा ही। और सामने एक साइड देखो अंडर वाटर टनल टाइप का वो बन रहा है। और इधर ककड़ी बेचते हुए भाई, भूख तो बहुत लगा हुआ है लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। तो अभी इधर अपन लोग जा रहे हैं, ये देखो नीचे के साइड भाई पानी, उधर आगे ना गंगा जी को देखना, काफ़ी मस्त गंगा जी है अभी फ्लो होते हुए। अभी नाइट का व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है, भयानक सा भाई क्या सीन है। ये देखो पीछे के साइड सारे लोग आ रहे हैं अभी, ये देख रहे हो इतने सारे लोग आ रहे हैं और हम लोग तो आगे ही जा रहे हैं अभी। तब भाई देखो भाई दो दो फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर पे सिर्फ
क्या बोलते हैं ना, सिर्फ बाइक या फिर टोटो ऑटो ये सब का ही परमिशन है, कोई फोर व्हीलर ये सब हैवी व्हीकल्स का नहीं परमिशन दिया हुआ है। प्लस ये देखो जो भी टू व्हीलर भी है ना यहाँ पे चढ़ के जा रहा है क्योंकि ऊपर से बंद किया हुआ है। प्लस इधर देखो यार क्या ही ब्रिज है यार, फ्लाईओवर तो काफी मस्त मस्त है। आगे की साइड से देखो ना तो वहाँ से गंगा जी दिखेंगे आगे की साइड से, और उधर भी एक फ्लाईओवर है जो कि काफी मस्त लग रहा है। उधर के साइड देखो वो देखो अभी धुंधला दिख रहा होगा, रात का टाइम है ना इसीलिए। और नीचे का नज़ारा देखो भाई, अपने को तो ऐसे ही देख के डर लग रहा है, दिख रहा है बहुत ही भयानक लग रहा है यार। ये भी फर्स्ट टाइम, पहली बार आया भाई बेगूसराय। कितना बार आया भाई? इसका तो फैमिली यहाँ पे है ना भाई, इसका तो फैमिली यहाँ पे, तो ये तो आता जाता रहता है भाई, डेली का इसका रूटीन बना हुआ है, डेली नहीं सप्ताह में एक दो बार है ना। और अपन लोग तो ऐसे ही पहली बार, क्या मंटू हम लोग भी इधर घर बना लेंगे है ना भाई, हम लोग भी सोच रहे हैं भाई घर बना के ना इधर ही बस जाएंगे भाई। इतना सारा ब्रिज तो देखने को मिलेगा, ये देखो इधर, इधर भी एक फ्लाईओवर, इधर न्यू वाला बन रहा है, और इधर देख रहे हो इस सामने के साइड से भाई फोर व्हीलर तो क्रॉसिंग दे रहा है। अच्छा एक और राइट साइड रास्ता कटा है ना, उधर की तरफ से ही शायद जाने वाला होगा, और ये अपन लोग ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं। अभी नीचे की साइड से इधर से जाना होगा ना शायद, इधर से वहां से क्रॉसिंग दिया होगा ना भाई, इधर के साइड से उधर से नीचे जाना है, इधर के साइड से नीचे के साइड से जाना होगा ना, नीचे के साइड से जाना होगा शायद, उधर से उधर से नीचे कौन मार देगा भाई, तो इधर से जाना। और ये देखो फोर व्हीलर, इधर से जाना है, उधर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये देखो भाई ऊपर से देखो यार, ऊपर से पैदल चल रहे हैं, और नीचे से साइड देखो यार पटरी, ट्रेन वाला वहाँ पे ट्रेन वाला पटरी है, उधर से फोर व्हीलर देखो क्रॉस कर रहा है। इधर से चलने में डर लग रहा है, नीचे के साइड इतना अगर ढाना की देख के डर लग रहा है। प्लस आगे गंगा जी वो दिख रहा है, ऐसा नज़ारा यार मस्त है। बस चलते हैं आगे जल्दी से, अपना वो कलश जा रहा है। अच्छा सर जय श्री राम, जय श्री राम। वो अपना क्लास है आगे के साइड दिख रहा, वो क्लास जा रहा है, पीछे के साइड से अपन लोग जा रहे हैं। ये मंटू है, हम इसके पीछे, ट्रेन वाला दो दो पटरी है ना भाई, वो ये देखो दो दो पटरी, और उससे नीचे भी इतना गड्ढा भाई, देख के डर लग रहा है यार। क्लास रुक गया, क्या बात है। उधर देखो गंगा जी, चलो अब जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। तब भाई देखो हम लोग गंगा जी पहुंच गए, और नीचे के साइड देख के ही भाई अपना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा हैवी रेट में बढ़ रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है हार्ट बीट। प्लस ये लोग बाइक कैसे चला रहे हैं यार, चलने से अपन लोग को ना पैर में पसीना छूट रहा है भाई, इतना ज़्यादा चलने में डर लग रहा है। बट ये लोग तो बाइक चला रहे हैं, तो सोचो यार कितना मतलब ये लोग निडर होंगे। और नीचे के साइड गंगा जी मतलब मानो ना तो यहाँ से नीचे ना 150-200 फीट का होगा। अरे भैया ये क्या करते हूँ, गिर जाऊँ भैया बच के? अरे भाई ट्रेन आ रहा है भाई, ये भाई हिल रहा है पूरा ब्रिज, हो भाई पूरा पुल हिल रहा है भाई, और नीचे की साइड से ट्रेन देखो कैसे क्रॉस कर रहा है, ये देखो भाई पूरा ना ये वाली हिल रही है पूरा ब्रिज, जहाँ पे अपन लोग चल रहे हैं ना वो वाली पूरा ब्रिज हिल रही है। नीचे की साइड ट्रेन जा रही है, तो और नीचे की साइड गंगा जी भाई, मतलब बिहार में ना सारा जन्नत यहीं पर अवेलेबल है। नीचे जाओ तो गंगा जी, उसके ऊपर ट्रेन, उसके ऊपर पैदल साइड में चलने वाला, और उधर से हेवी व्हीकल से सब चलने वाला। प्लस इधर तो फ्लाईओवर का भंडार है भाई, एक फ्लाईओवर इधर एक उधर, और उधर भी एक फ्लाईओवर भाई। मतलब मैं ना फर्स्ट टाइम बेगूसराय आया हूँ, मेरे को प्यार हो गया भाई बेगूसराय से। बट दिन में रहते ना तो सारा कुछ एक्सप्लोर करते मज़े से भाई, लेकिन रात का टाइम में तो क्या ही बोल सकते हैं यार, बस इतना से ही काम चलाना पड़ेगा अपने को और फिर आपको भी। ये देखो सारे लोग कैसे आ रहे हैं, मैं तो डर जाऊं यार ऐसे बाइक से जाने में। और नीचे का नज़ारा देखो काफ़ी प्यारा, काफ़ी डिसेंट सा लुक आ रहा है, और इधर के साइड अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रही है अभी, कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है ना चाचा? क्या भाई? हाँ भाई अच्छा भाई, लेकिन ना अगला बार आएंगे ना तो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे भाई यहाँ पे आके, ऐसे को वैसा ही बोलना भाई, एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। अरे बिहार का पूरा जन्नत यहीं पे अवेलेबल है आसनसोल भाई। देखो अब खत्म हो गया यार, इधर तकरीबन 2 किलोमीटर अपन लोग पैदल चल के आए, सोचो ना यार कहाँ से आए अपन लोग, देखो यार कितना दूर।
उसके बाद अपन को ना यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर अपने को इधर से घूम के वहाँ जाना पड़ेगा गंगा जी के पास। 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, सोचो 2-3 किलोमीटर चल के आए, 1 किलोमीटर भी और चलना है। उसके बाद अपना कलश विसर्जन होगी, उसके बाद अपन लोग नहाएंगे, उसके बाद खाएंगे पिएंगे जो भी होगा, और फिर निकलेंगे घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो उस बीच काफ़ी कुछ मजा आने वाली है, तो इतना तक वीडियो देख लियो, तो और भी देख लो क्योंकि काफ़ी अच्छा अच्छा सा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं अभी। तो वीडियो में बने रहना गाइस। और फिर इधर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि बन रहा है अभी, और इधर भी बन ही रहा है यार, अभी बहुत कुछ बन रहा है इधर, तो काउंटिंग चल रहा है इधर के साइड आदमी का काउंटिंग प्लेस जला के चलो, ये अपना प्लेस सीढ़ी नीचे के साइड जाते हुए, ये भाई साहब ऐसा सीढ़ी है यार, और पीछे के साइड काउंटिंग हो रहा था अभी। ये देखो मार्केट इधर का, यहाँ का, यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे घाट है। जय श्री राम, इधर सारा मार्केट, ये घाट का मार्केट देखो भाई इधर का, और इधर देखो ये, और ये पुजारी जी जा रहे हैं, मोनू कलश लेके जा रहे हैं, और ये अपना सिमरिया घाट का मार्केट, यहाँ से ही सारा कुछ जो भी पूजा का सामान होगा वहाँ से लो, और फिर आगे की साइड जाओ, 1 किलोमीटर से ऊपर है, आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो पुल से अपन लोग आए थे, दिख रहा है वहाँ से, और फिर यहाँ से अपन लोग पैदल ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी, 1 किलोमीटर तो है, देखते हैं ना कितना ही टाइम लगता है अभी। ये होटल वोटल देखो सामने के साइड से घाट है, दिख रहा है कितना दूर है अभी, यहाँ से माना तो यहाँ से 700-800 मीटर और होगा आगे की साइड घाट। वो जो लाइट जल रहा है ना सामने वाला, उससे भी आगे सीढ़ी सीढ़ी दिख रहा है, उससे भी आगे है, तो अपने को और भी चलना पड़ेगा भाई काफ़ी दूर। ये नीचे के साइड से रास्ता है, ऊपर का देखो भाई कितना फीट ऊपर है, दिख रहा काफ़ी डरावना लग रहा था ऊपर से। और इधर के साइड से रास्ता होटल, देखो ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, सीढ़ी देख रहे हो बनने के बाद क्या ही मस्त लगेगी, ये देखो सीढ़ी फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। भाई दिन में तो काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है घाट देखने में, लेकिन अभी रात का टाइम है तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, सो मेनली कलश घुमाने में टाइम चला गया, बट सही है। ये देखो इधर भी बन रहा अभी भाई, नीचे दिख रहा है भाई थर्ड बर्ड, ये देखो वहाँ जाना पड़ेगा एकदम लास्ट, ये आगे जाते हुए इधर से गंगा जी स्टार्ट। जब पानी आएगी ना, बरसात होगी ना, तो पूरा यहाँ तक आ जाएगी, मे बी, मैं होप कि आ जाए, और ऐसा होगा मेरे ऐसा ख्याल से। उधर भी एक फ्लाईओवर बनते हुए, और अपने को और भी आगे का रास्ता तय करना है भाई। ये देखो भाई ट्रेन कैसे पार हो रहा है, नीचे के साइड गंगा जी देख रहे हो, ऊपर के साइड ट्रेन, और उसके ऊपर से भी अपन लोग पैदल चल के आए थे, प्लस फोर व्हीलर, जो भी बाइक मोटरसाइकिल फोर व्हीलर हेवी व्हीकल्स का तो अभी है अलाउ नहीं है, ट्रक बस जो भी है उसका अलाउ नहीं है, बस फोर व्हीलर ये सब भी, उसका भी स्टॉपेज क्या हुआ, सिर्फ एक रूट के लिए दिया हुआ है। बट देखो यार ट्रेन कितना आवाज़ करती है, देख रहे हो, और यहाँ से एक और मार्केट स्टार्ट। ये मार्केट के आगे जाएंगे ना तो एक और छोटा सा मार्केट आएगा, और फिर घाट आएगी अपने को नहाने वाली। तो देखो यार ट्रेन, तो फाइनली भाई पहुंच गए घाट पे, ये देख रहा इधर अपने को वहाँ पे नहाना है, तो यहाँ से अपन लोग क्रॉस करेंगे और फिर अपने को वहाँ पे नहाएंगे मस्त वाला। ये देखो क्या भाई, भाई मछली है का, पानी तो इधर तो खैर गंदा है, इतना ज़्यादा डस्ट इधर फेंका हुआ है ना, कचड़ा वचड़ा कि पूछो ही मत यार, गंगा जी में भी इतना सारा कचड़ा फेंकता है यार। और इधर देखो नहाने वाला, इतना कचड़ा लोग फेंकते हैं ना, प्लास्टिक के सब, देखो ज़्यादातर वही प्लास्टिक वाला बैग से हैं, उसी कारण ज़्यादा कचड़ा फैलता है। और इधर नहाने वाला भाई, काफ़ी अच्छा सा भाई नज़ारा तो मस्त है, पानी बहुत कम है साइड साइड में, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा अपने को नहाने के लिए। देख रहे हो यहाँ से देखो एंट्री भाई, पानी ना कचड़ा है ना फेंका हुआ, देखो पकड़ के रहो टुनु भाई, मोनू हो गया पानी ना भी बिट्टू, तो बिट्टू जा रहा अभी अंदर,
देखते भाई, फिर विसर्जन होगा उसके बाद अपन लोग नहाएंगे। हाँ यही बिहार है, यही बिहार, सारे लोग नहाने वाले। देखो भाई